आजकल ज्योतिष के अनुसार बहुत से उपाय मिल जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आप रोज शाम को करें। इन कामों से आपके घर का वातावरण खुशनुमा होगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, परंतु यदि पूजा पाठ के साथ ही इन कामों को भी किया जाए तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि दोनों दोगुनी बढ़ेगी। कपूर का उपयोग मंदिर में रोज किया जाता है। हर पूजा में, हर आरती में, हर यज्ञ में किसका उपयोग किया जाता है? ऐसी मान्यता है कि कर्पूर नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इससे आपके आसपास का वातावरण खुशनुमा और सुख समृद्धि से भरा होगा। एक जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको अपनी पूजा मंदिर में किसी भी बर्तन में घी डालकर तथा उसमें कपूर डालकर जरूर रखें। जब आप पूजा कर ले उसके बाद आप जीमेल डुबोए कपूर को निकालने और उसे जला दे और इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। दो, इसी के साथ घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। माना जाता है कि इस तरह अगर आप पूजा करें तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और इसी के साथ ही आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास होगा। तीन, अगर आप रोशनी में डूबा हुआ कपूर जलाते हैं पूजा करने के बाद तो आपके घर में सुख और समृद्धि आने लगेगी और शाम के समय यह कार्य अवश्य करें। चार, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ कपूर जला दे। इससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा तथा आपके घर में सुख शांति आएगी।